हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और आज का जो ये वीडियो है वो थोड़ा सा फन भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा अलग है रोज के वीडियो से। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी थंबनेल में कि आज क्या हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये आपको करना है और ये आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, एक छोटा सा क्विक टेस्ट है और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कि फैक्ट है। अगर आपको याद है तो आपसे आंसर बनेगा, अगर आपको याद नहीं है तो आपसे उत्तर नहीं बनेगा। हर आंसर के लिए आपको सिर्फ कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा। बहुत ही कम समय में हम करीब करीब 80 संस्कृत साहित्य की रचनाओं के लेखकों का नाम देखेंगे। अगर आपसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा सही बनता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है बिल्कुल परेशान मत होइए, इसे एक गेम की तरह समझिए और इसको लास्ट तक देखिए, जितना पॉसिबल हो पाए सही आंसर देने की कोशिश करिए, तुक्का लगाइए, वट एवर यू कैन डू। लेकिन अगर नहीं बनता है, इनके ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो परेशान मत होइएगा क्योंकि इस पूरे की PDF मैं बनाकर और ज़रूर आपको शेयर करूँगी, एग्ज़ाम के पहले आपको दूँगी ताकि आप इसे याद कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टाइम रहेगा वो हर एक रचना का नाम यहाँ पे मैं लूँगी, रचना का नाम लेंगे और आपको तुरंत क्विकली अपने दिमाग में सोचना है कि इसके रचयिता कौन है। जो भी दिमाग में पहला नाम आपके आता है उसी को पकड़ के रखिएगा कि बस वही नाम होगा। उसके बाद जस्ट 3-4 सेकेंड के बाद मैं इसका सही आंसर या 5 सेकेंड के बाद मैं इसका आंसर बता दूंगी और कम टाइम दूंगी। तो ये बहुत ही कम टाइम में हम 80 के करीब रचनाएं देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। यस, तो पहला जो है आपकी पहली रचना है वो है चंद्रलेखा। फटाफट से गेस करिए किसकी रचना है। ये रचना है रुद्रदास की। किसकी? रुद्रदास की। यहाँ पे मैं नाम मेंशन नहीं करी हूँ, PDF बना के आपको दूंगी। कीर्ति कौमुदी, कीर्ति कौमुदी फेमस है, ये किसकी है? है ये किसकी? सोमेश्वर जी की। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए और अच्छी कसरत है आपकी, एक्सरसाइज है आपके दिमाग के लिए। किरात अर्जुनियम किसकी है? बहुत फेमस है, भारवि की ये रचना है। नेक्स्ट देखेंगे वेड़ी संहार। तो वेड़ी संहारा है भट्ट नारायण जी की। राज तरंगिणी, दिस इज वेरी वेरी फेमस, बहुत ज्यादा फेमस है ये। बिल्कुल सही उत्तर आया है आपके दिमाग में, कल्लड़ की है। गीत गोविंद, ये रचना है जयदेव की। जयदेव की नाट्यशास्त्र, ये भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। साहित्य दर्पण, ओके, जितने भी लोगों के दिमाग में आया है विश्वनाथ, बिल्कुल सही उत्तर है विश्वनाथ की ये रचना है। कुंदमाला, कुंदमाला ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो ज्यादा मत, बस नहीं आ रहा है तो दिमाग में ये चीज लगी कि नहीं पता, बस बता देंगे, याद कर लेना है, PDF शेयर कर देंगे, परेशान भी नहीं होना है। ये रचना है किसकी? दिग्वाग की है, ये है दिग्वाग की रचना कुंदमाला। कर्पूर मंजरी, ये रचना है राजशेखर की। कामसूत्र, ये रचना है वात्स्यायन की। शिवराज विजय, शिवराज विजय रचना हो जाती है ये अंबिका दत्त व्यास जी की। बहुत कम टाइम तो नहीं दे रही हूँ, अगर आपको लगता है कि कम टाइम है आप पॉज कर लिया करिए वीडियो। अमहक सतकम किसकी ये रचना है? तो इनके नाम से ही ये रचना है, इनका नाम ही हो जाता है अमहक, अम्भक, ठीक है, ये सही उत्तर हो जाता है, क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं इसको। जानकी हरण, ये किसकी रचना है? फटाफट से बताइए। जानकी हरण कुमार दास की रचना है। भट्टी महाकाव्यम, भट्टी महाकाव्यम, ये भी इनके नाम पे ही है, भट्टी जी की ये रचना है तो इनके नाम पर ही ये लिखा हुआ है। मनुस्मृति, सही गेस, इनके नाम पर ही है, मनु की रचना है मनुस्मृति। पद्म पुराण किसकी रचना है? पद्म पुराण है रविश्माचार्य जी की रचना, ठीक है, रविश्मा है, रविश्माचार्य जी की रचना है। फिर आपका नेक्स्ट रचना आ जाती है कवि कंगडाभरण, फटाफट से देख लीजिए।
उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ऑप्शन है ही नहीं, आई मीन वो डेली ऑप्शंस रहते हैं, आज ऑप्शंस नहीं है, क्षेमेंद्र हो जाते हैं। इसका सही उत्तर होता है शब्द कल्पद्रुम किसकी रचना है? कुछ अलग किया है और आप लोगों के लिए ये भी चीज़ आपको लोगों को एनालाइज करनी है अपने आप पे कि कभी भी सिचुएशन कुछ अलग होती है तो क्या आप उस सिचुएशन के लिए तैयार हैं मेंटली। हमेशा एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में आ सकता है, इस पैटर्न में नहीं आएगा, ऑप्शंस आएंगे जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है पहले सुपर टेट की तरह भी कभी कभी सिचुएशन होती है किसी एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे यूपी टेट की, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, तो आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहना है, चीज़ें याद करके रखिए। उत्तर सही होता है इसका राजा, ठीक है, राजा की रचना है, नाम ही राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृहत कथा मंजरी किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ना उनका नाम है गुडाढ्य, ये इनका नाम है, ठीक है। हितोपदेश बहुत फेमस, हितोपदेश किसकी रचना है? ये रचना है नारायण पंडित जी की। चौर पंचाशिका, चौर पंचाशिका, एक और हिंट दे देते हैं, दोनों नाम देख लीजिए, दोनों एक ही रचनाकार की रचना है, विक्रमांक देवचरितम, ये दोनों ही रचना है विल्हड़ की, ठीक है, विल्हड़, जैसे आपने कल्हड़ पढ़ा है वैसे एक विल्हड़ नाम भी है। कल्पसूत्रम भद्र बाहु की रचना है, मत्विलास, मत्विलास रचना है महेंद्र विक्रमन की। भगवत गीता महाभारत रामायण, पहले ये दो बता दीजिए, दोनों एक ही पर्सन की रचना है, तो यस वेद व्यास, बिल्कुल सही उत्तर आपने गेस किया है। रामायणम किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी? महर्षि वाल्मीकि की। अब यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शंस है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए ऑप्शंस में से है, रघुवंशम कुमार संभवम, मैं हिंट कर देती हूँ पूरा, पुष्पबाण बिलासम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, विक्रमोर्षवीयक, ठीक है, विक्रमोर्षीयक, ये आपका जो है ये सभी रचनाएं इतनी जो है वो एक ही रचनाकार की हैं, किसकी हैं? उत्तर सही होता है कालिदास की, ये सारी रचना है, अगर आपको एक दो भी पता हो तो भी सभी का बन जाएगा। फिर देख लेते हैं स्वप्न वासव दत्तम, ये किसकी रचना है? ये रचना भास की है। बात करते हैं जो हमारा अगला है प्रतिज्ञा यौगंध रायन, ये भी भास की ही रचना है। चारुदत्तम भी भास की ही रचना है, ये तीनों रचना भास की ही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सौंदरनंदम और बुद्धचरितम, ये किसकी रचना है? तो आई थिंक बुद्धचरित तो सबको पता होगा, उन्हीं की रचना ये भी है, अश्व घोष। फिर है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों रचनाएँ किसकी हैं? कई बार हम देख चुके हैं विशाख दत्त की रचना है। हर्षचरितम चंडी शतकम किसकी रचना है? तो हर्षचरितम चंडी शतकम और कादंबरी ये तीनों ही बाण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे प्रियदर्शिता नागानंद किसकी रचना है? हर्षवर्धन की, ये दोनों ही रचनाएं हैं। अर्थशास्त्र सबको पता है कौटिल्य की रचना है, तो इसको ज्यादा नहीं देखेंगे। काव्य मीमांसा और विद्वशाल किसकी रचना है? आप लोगों को ये मैंने जो है साहित्य के क्वेश्चन रचना और रचनाकारों इस सब का क्वेश्चन बेस पे भी कराया है, एमसीक्यू फॉर्म में भी कराया है, लेकिन यहाँ पे हम बहुत कम टाइम में सीधे सीधे 80 रचनाएं देख लेंगे, इस वजह से थोड़ा सा, और ये एक टेस्ट टाइप का आपका है, इस टाइप से कर दिया है ये सेशन। तो चलिए देख लेते हैं ये किसकी है, काव्य मीमांसा विद्वशाल जो है और भंजिका भी एक्चुअली राजशेखर की है। काव्य प्रकाशा किसकी है? तो काव्य प्रकाशा है मम्मट की। फिर है आपका श्रृंगार शतकम, तो एक आपका ये एक साथ होगा श्रृंगार शतकम, भक्ति शतकम और नीति शतकम, ये तीनों एक ही रचनाकार की रचना है और नाम है भर्तृहरि, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है अगर आपने यही गेस किया था तो।
फिर देख लेते हैं मृच्छकटिकम, जो कि काफी मतलब फेमस है, शूद्रक की ये रचना है। मुदित मदालसा नाटक किसने रचित की, रचना की है इसकी, मुदित मदालसा नाटक की, इसकी रचना की है गोकुल नाथ ने। गोकुल नाथ ने पंचतंत्र, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, शिशुपाल वधम, ये पूछा जाता है अक्सर, शिशुपाल वधम, माघ ने की है इसकी भी रचना, ठीक है। अमरकोश, इनके नाम पे ही पड़ा है, इनका नाम जो है वो क्या है, अमर सिंह है, तो ये अमर उनके नाम पे ही पड़ा है अमरकोश। जातक माला, जातक माला की रचना किसने की है, नहीं पता, तो आर्य सूर्य ने की है, आर्य सूर, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो रचना है वो है आपका श्रौत सूत्रम, ये सभी संस्कृत साहित्य की रचनाएं हैं, श्रौत सूत्रम, रचना इसकी की है कात्यायन ने, कात्यायन ने। अगली रचना है शत्रुंजय महात्म्य, रचना की है इसकी धनेश्वर जी ने। फिर है स्वप्न दशानन, जिसके रचयिता है भीभट, भीभट। फिर अगला है आपका काव्यालंकार, ये तो पढ़ाया भी है मैंने, काव्यालंकार की रचना किसने की है, तो सही उत्तर क्या होगा, भामह मैंने की है इसकी रचना, भामह। फिर है आपका रावणार्जुनीय, रावणार्जुनीय, ठीक है, बताइए रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार भौमक हैं, भौमक, ऐसे इस पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका ब्रह्म सिद्धि, रचनाकार कौन है ब्रह्म सिद्धि के, इसके रचयिता है मंडन मिश्र, ठीक है, इस तरह से इनका मंडन और फिर मिश्र। कथा सरित सागर कौन है रचयिता, तो इसकी रचना भी किसने की है, सोमदेव ने की है, सोमदेव। नैषधीय चरितम रत्नावली फेमस है ये काफी, नैषधीय चरितम रत्नावली, रचयिता है श्री हर्ष। दस कुमार चरितम अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी मतलब एक साथ है ये, रचयिता है दंडी, ये एक दिन हम लोगों ने अभी दो तीन दिन पहले दस कुमार चरितम जो है देखा भी था सेशन में। उत्तर राम चरितम रचनाकार कौन है, तो देखिए उत्तर राम चरितम और मालती माधव दोनों के ही रचयिता हैं भवभूति जी, भवभूति। वासव दत्त, फटाफट से बताइए किसने इसकी रचना की है, और वीडियो को लाइक करिए सभी लोग प्लीज़ एक बार, काफ़ी कम समय में हमने देख ली हैं इतनी सारी रचनाएं। तो वासव दत्त दत्ता इसकी रचना की है, सुबंधु ने, नाम देख लीजिए सुबंधु ऐसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट है व्याकरण महाभाष्य, इम्पॉर्टेंट भी है ये, इसकी रचना किसने की है? तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है, व्याकरण महाभाष्य की रचना किसने की है, फटाफट से आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा, और इसकी पीडीएफ मैं एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड आपको टेलीग्राम चैनल पे करा दूंगी। लिंक सबकी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारा जो दूसरा चैनल है जहाँ पे लाइव क्लासेस चलती हैं उसकी लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और कल मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, बाय बाय।